मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस विद शिव नरेश सिंह खंगारोट। आज हम बात करेंगे पैरेलल बार की एक्सरसाइज के बारे में। पैरेलल बार पे वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एक एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी जब से COVID-19 शुरू हुआ है, उसके बाद से सारे जिम्स वगैरह बंद हैं, तो बहुत सारे यंगस्टर्स जो कि जिम पे एक्सरसाइज करते थे, उनको एक्सरसाइज करने के ऑप्शंस ख़त्म हो गए हैं। तो आज हम बात करते हैं पैरेलल बार की एक्सरसाइज के बारे में, कैसे की जाती है। सिर्फ एक एक्सरसाइज जो आज हम करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए बताते हैं कैसे करनी है। जैसे ये पैरेलल बार है, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं, उससे पहले आप वार्म अप कर लें। वार्म अप करने के लिए क्या क्या करना है? वैसे तो पूरी बॉडी वार्म अप होनी चाहिए, चाहे आप रनिंग करो, चाहे आप पैरेलल बार पे एक्सरसाइज करो, चाहे आप योगा करो। इन सब से पहले बॉडी का वार्म अप होना ज़रूरी है, ताकि आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके बाद इंजरी होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। तो इसको वार्म अप करने के लिए सबसे पहले तो, क्योंकि हम जो इस पर एक्सरसाइज करने वाले हैं, उस पर पूरी बॉडी आपकी एंगेज होने वाली है, यानी नीचे से लेके ऊपर तक। तो सबसे पहले तो हम, क्योंकि इस पर रिस्ट पर बड़ा जोर आएगा, तो एक तो मैं ये कहूँगा कि रिस्ट जो सपोर्टर है वो आप ज़रूर बांध के रखें। और उसके बाद जो हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, उसमें क्या करेंगे, जैसे ये है रिस्ट, तो एक बार हमने थोड़ा सा रिस्ट की एक्सरसाइज की, ये 5 से 10 बार करें। फिर ये वाली एक्सरसाइज आप 5 से 10 बार कर लें। फिर आप जैसे इस तरीके से कंधे को स्ट्रेच कर लेंगे, इसको किया 4-5 बार कर लिया, इस कंधे को ये हाथ ऐसे इस तरह से पीछे लेके आए, ये वाली कर लें। बहुत सारी शोल्डर्स की एक्सरसाइज होती है, यूँ घुमा लें, फिर रिवर्स घुमा लें, फिर ऐसे कंधे ऊपर नीचे कर लें, इनको रोटेट कर लें, आगे से पीछे, फिर पीछे से आगे, इस प्रकार से, और थोड़ा सा इस प्रकार से खींचिए, ताकि आपकी बॉडी की एक बार पूरी स्ट्रेचिंग हो जाए। थोड़ा सा कमर को इस प्रकार से घुमा लें, फिर आप बार पे आ सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे बार पे कर रही है। जैसे हम यहाँ आ गए, तो शुरू में हम क्या करेंगे, बॉडी को इस प्रकार से रिलैक्स करेंगे। आप जैसे बिगनर हैं तो आपसे एकदम ये होगा नहीं, तो आप इसको धीरे धीरे करें। पहले यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करें, जब 2-4-5 दिन में यहाँ होल्ड होने लग जाएगा, उसके बाद इसको आप आगे शुरू करें। यहाँ 3-5 मिनट जितना रुक सकते हैं, रुके। जब ये आदत हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, ये हम इसमें, मैंने जैसा कि कहा, पूरी बॉडी एंगेज होने वाली है, खास तौर पे आपके शोल्डर्स, आपकी रिस्ट और आपका चेस्ट और आपकी कोर मसल और आपके लेग्स, ये सब इन्वॉल्व होंगे। इस प्रकार से हम लेंगे और फिर यूँ करेंगे। शुरू में हो सकता है कि आपसे ऐसे ऊपर ना जाया जाए, तो आप ऐसे स्विंग करें, और जब स्विंग करके आदत बन जाएगी तो फिर इस प्रकार से हम जाएंगे और यहाँ पर हम पैरों को खोल देंगे, वी शेप बनाएंगे। इसके आप 2-3 रिपीटेशन कर सकते हैं। जैसे ये गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जैसे हो जाए, तो इसके बाद आप दूसरा राउंड लें 10-12 का, तीसरा राउंड लें 10-12 का। आपकी स्ट्रेंथ जितनी होगी, जितनी एनर्जी लेवल होगा, उतना आप कर सकेंगे। इसके बाद इसी के साथ की एक्सरसाइज है कि हम इसको बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे, ये जितना ऊपर ले जा सकते हैं। प्रकार से ले जाएं, इसकी भी 2-3 राउंड कर लें, 10 का राउंड, 8 का राउंड, 5 का राउंड, इस प्रकार से। तो ये था फ्रेंड्स आज की एक्सरसाइज का डेमोंस्ट्रेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। Stay fit, stay healthy. Thank you. Jai Hind.